हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं कबड्डी में हुए मैच नंबर 84 के हाइलाइट्स। ये मैच हुआ था हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट्स के बीच, जिसमें जीत गुजरात जायंट्स की हुई थी। सो जस्ट फर्स्ट हैव अ लुक टू द टीम स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। मैच के फर्स्ट हाफ में हरियाणा स्टीलर्स के पास टोटल पॉइंट्स थे 12, रेड पॉइंट्स थे 8, टैकल पॉइंट्स थे 3 और एक्स्ट्रा पॉइंट था 1। तो वहीं गुजरात जायंट्स के पास टोटल पॉइंट्स थे 19, रेड पॉइंट्स थे 12, टैकल पॉइंट्स थे 5 और ऑल आउट पॉइंट्स थे 2। मैच के सेकेंड हाफ में हरियाणा स्टीलर्स के पास टोटल पॉइंट्स थे 14, रेड पॉइंट्स थे 11, टैकल पॉइंट्स थे 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट था 1। तो वहीं गुजरात जायंट्स के पास टोटल पॉइंट्स थे 13, रेड पॉइंट्स थे 8, टैकल पॉइंट्स थे 4 और एक्स्ट्रा पॉइंट था 1। रेड्स की बात की जाए तो इस मैच में कोई भी सुपर रेड नहीं हुई थी। दोनों टीम्स के पास टोटल रेड्स 39 थी, जिसमें हरियाणा स्टीलर्स की सक्सेसफुल रही 17 और गुजरात जायंट्स की सक्सेसफुल रही 15। लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल रेड हरियाणा स्टीलर्स की थी 6 और गुजरात जायंट्स की थी 8। टैकल्स की बात करें तो इस मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने एक सुपर टैकल किया था। उनके पास टोटल टैकल्स 22 थे, जिसमें सक्सेसफुल 4 रहे थे और गुजरात जायंट्स के पास टोटल टैकल्स 25 थे, जिसमें सक्सेसफुल 9 रहे थे। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स बने टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द मैच। सबसे पहले देख लेते हैं हरियाणा स्टीलर्स के टॉप परफॉर्मर्स। यहाँ पर टॉप रेडर रहे थे मीतू, जिनके रेड अटेम्प्ट से 17 और रेड पॉइंट्स थे 8। टॉप डिफेंडर रहे रोहित गुलिया, जिनके टैकल अटेम्प्ट से 2 और टैकल पॉइंट था 1। गुजरात जायंट्स के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो यहाँ पर टॉप रेडर रहे थे अजय कुमार, जिनके रेड अटेम्प्ट थे 19 और रेड पॉइंट्स थे 11। टॉप डिफेंडर है परवेश बैंसवाल, जिनके टैकल अटेम्प्ट से 5 और टैकल पॉइंट से 3। इस मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने स्कोर किए 26 पॉइंट्स, तो वहीं गुजरात जायंट्स ने 32 पॉइंट्स बनाकर इस मैच में जीत हासिल की। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।